नादरी में आत्म योजना के अंतर्गत महिला किसान सम्मेलन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 30 महिला कृषकों ने भाग लिया। सम्मेलन में उपस्थित महिला कृषकों को अशोक कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी ने जल बचत व जल होत सिंचाई पाइपलाइन जैसे कार्य की कृषि विभाग द्वारा अनुदान की जानकारी दी। इसी दौरान कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने महिलाओं का कृषि टेस्ट लिया। इस टेस्ट में 3 महिलाएं फर्स्ट आईं, जिन्हें पुरस्कार के तौर पर स्टील की केतली दी गई। साथ ही कृषि प्रवेशक रवीना मीणा कालवान द्वारा मिट्टी जांच करवाने की सलाह दी गई और वे मौजूद प्रगतिशील कृषि सहायक बच्चन लाल मीणा द्वारा जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। हम लोगों को यहाँ पर सिखाया है कि खेती मतलब वो जैविक खेती के बारे में बताया और आर्टिफिशियल जो खेती होती है उसे कैसे छोड़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल खेती से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। एक तो जैसे सबसे ज़्यादा कैंसर को लिया जाता है, जो अपने राजस्थान में दिनों दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस खेती की वजह से, आर्टिफिशियल खेती की वजह से। अब इन्होंने बताया, सर ने बताया कि कैसे हमें गोबर गैस बनानी चाहिए। उस गोबर गैस से हम एक तो अपने जो गैस भरवाते हैं उसका अपना खुद का खर्चा भी बचा सकते हैं, और उससे अपन गर्म पानी वगैरह या फिर खुद मतलब खाना वगैरह और खाद भी बना सकते हैं। और इन्होंने बताया कि कैसे आंवला एक अपने लिए फ़ायदेमंद होता है, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और उस आंवले को अचार भी जमाया जा सकता है, और ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादातर महिलाओं में रतौंधी जो रोग होता है, रात को नहीं दिखाया मतलब रात को देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसके बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा अगर आंवले का अचार जमाया जाएगा। ऐसे चीज मतलब कच्चा भी खा सकते हैं उसको, ऐसे इन्होंने हमें ये भी खेती के बारे में बताया। सर, हमने महिलाओं को क्या है खेती से संबंधित जो जानकारी दी जाती है, रबी की जो बुआई है, सरसों की बुआई कैसे करते हैं, सरसों में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कौन कौन सी सरसों की किस्मों का उपयोग करना चाहिए, चने की बुआई के लिए कौन कौन सी किस्में काम में लेनी चाहिए, चने के बीज को सरसों के बीज को जो बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार की विधियों के बारे में किसान महिलाओं को बताया गया है। और यह जो प्रशिक्षण है, यह 30 महिला कृषकों का प्रशिक्षण आत्मा योजना अंतर्गत हमने रखा है, तो ये पूरे ब्लॉक की महिलाओं का प्रशिक्षण है। तो सिकराई जो ब्लॉक है उसमें से 30 महिला किसानों को हमने जो प्रशिक्षण दिया है, इस प्रशिक्षण में से जो उन्नत जो महिलाएं थी, प्रगतिशील महिलाओं की, उनको हमने भागीदारीता सुनिश्चित की है और महिला प्रशिक्षण देकर उनका हमने ज्ञानार्जन टेस्ट लिया है। ज्ञानार्जन टेस्ट लेकर जो 3 प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। बाकी और महिलाओं को जो उद्यानिकी फसलें हैं, उद्यानिकी बगीचे हैं, उनकी नवीन बगीचे स्थापना के बारे में भी हमने जानकारी दी है। सर्टिफाइड सीड के बारे में इन महिलाओं को जानकारी दी है। खरपतवार नियंत्रण के बारे में हमारे जो प्रगतिशील किसान है बच्चूलाल जी ने जो जैविक खेती करते हैं, तो इन महिलाओं को सिखाने के लिए हमने जो प्रगतिशील किसान को बुलाया है बच्चूलाल जी ने, इनको जैविक खेती के बारे में और मानव स्वास्थ्य पर जो रासायनिक खेती से दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। आंवले की खेती के बारे में इनको विस्तार से बताया है, आंवले के क्या क्या फायदे हैं, आंवले के जो प्रोसेसिंग से मुरब्बा कैचअप और जो उनका आचार बनाते हैं उनकी विधियों के बारे में किसानों को बताया है।